शिवाल खरीद लिया हम लोग। नहीं था, जैसे सुबह में उठा था झाड़ू बारू जो पोछा पोछी की तो बोला कि पैर जल रहा, तो हम लोग भी गए देखे पूरा एकदम बढ़िया से पैर उठ जल रहा है, एकदम पूरा चल नहीं सक रहे हैं। तो और फैमिली लोग आदमी लोग बोला कि नहीं इसको थोड़ा सा खाली करने की कोशिश करो, और हमारी भाभी माँ सामान जो थी वो गए थे रूम पता करने के लिए, तो हम लोग बोले कि चलो धीरे धीरे सामान हटा लेते हैं जो होगा फिर देखा जाएगा, लेकिन उसको सामान हटाते हुए ये धंस चुका है। इसमें क्या कोई क्षति भी हुई है? क्षति नहीं हुई है, खाली एक गेट घस गया है उसमें और कुछ नहीं हुआ, किसी को जान माल का नुकसान नहीं है। क्या एक बताया जा रहा था कि गैस रिसाव के कारण एक महिला वो मूर्छित हुई है? हाँ वो गैस लगी है तो वो अभी पीएमसी में भर्ती है, पानी चढ़ रहा। अच्छा, विशेषज्ञ अधिकारी क्या अभी तक इस घटना के बाद आए हैं? नहीं नहीं कोई नहीं आया है, कोई देखने नहीं, कोई देख रहा कोई कोई सुविधा नहीं है। सारा सामान घर का खुली छत में? हाँ सब बाहर एकदम समय सब बाहर फेंकाया हुआ है, जैसे तैसे हम लोग किसी तरीके से भी बाहर रखा। हमारे मांग करते हैं जैसे कि कहूँ साधन दे रहने के लिए, पूर्णवास का जगह कहीं पूर्णवास का जगह चाहिए, या कोई तरह का क्वार्टर हमको दिलाए भोली तरफ या किधर भी दिलाए बढ़िया स्वच्छ जगह में। बस सामान निकाल रही थी उसका लगा गैस वाला पूरा धुआं एक बैग हुआ, बस वही पर बेहोश होकर गिरे लगी। उसके बाद हम लोग बाहर निकाले तो अभी तक उसका होश नहीं हुआ, हॉस्पिटल में जाकर भर्ती। क्या नाम उनका जो है? सुजीता कुमारी, सुजीता देवी। अभी जो जो यहाँ पे जो छह घर रहते हैं ना, छह परिवार लोग रहते हैं, छह परिवार 35-40 आदमी है, 35 को छह घर। मगर इतना कुछ होने के बाद अभी तक विशेषज्ञ प्रबंधन नहीं आया, विशेषज्ञ का यहाँ पे मुखिया जो है वो भी देखे नहीं आया, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ेगा हमको वोट दो। अभी हम लोग इतना परेशान है, सामान बाहर निकाल के फेंका हुआ है, लेकिन नहीं आया देखने के लिए।